हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एवरीवन। आप बाद में आओ, आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा भाई। रुको, हाय ब्रो, रुको जरा, सबर करो, आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ढाई अक्षर गेम के में, जो नया एपिसोड लेके आया है और हाल ही में जिसका प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा है। और वो लास्ट ईयर भी दिल्ली की टीम में थे, उनको दो तीन अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन वो अपने आप से नाराज थे। लेकिन इस साल जब वापस वो सिलेक्ट होके आए दिल्ली कैपिटल्स में, तो पहली मैच में धमाकेदार पारी खेली है और वो आज हमारे सामने है, मिस्टर ललित यादव। तो ललित यादव, अभी आप अपने आप को बोल सकते हो, आपको कुछ जो भी बोलना है। हाय एवरीवन, हाय। हाँ, जब आप सिलेक्ट हुए वापस दिल्ली कैपिटल्स में, तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो आप अपनी वो दिन की बात बताइए कि ऑक्शन जब हुआ उससे पहले और उसके बाद क्या रिएक्शन था फैमिली में और सब में। ऑक्शन हुआ उस दिन हम लोग रणजी ट्रॉफी खेलने गए थे, क्वारंटाइन जस्ट ख़त्म हुआ था और नेक्स्ट डे था, तो सब लोग साथ में बैठे थे। फर्स्ट डे तो नंबर आया नहीं, सेकेंड डे प्रैक्टिस जाना था तो अब नहीं गए। नहीं गया था, गए अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस थी 3 घंटे की, फिर आ गए। फिर सब लोग बैठे थे हम रूम में, तो मैंने तो अपना नाम देखा ही नहीं। उधर से सांगी भैया देख रहे थे, अबे तेरा नाम आ गया। मैं कहा आ गया, चलो पहली झंडी उठने तो फिर आऊँगा। तो आपको डर था क्या, आप शायद कोई टीम आपको पिक नहीं कर सकेगी, उसके डर से आप नहीं देख रहे थे? हाँ, वो थोड़ा सा वो डर था एक कि क्या पता कोई पिक ना करे, नेगेटिव थॉट्स। बट मेरे को दिल्ली से बहुत उम्मीद थी। आप जब आए तो क्या क्या माहौल था, आपका माइंडसेट कैसा था, क्या सोच रहे थे आप, और उसके बाद कैसे आपकी वो सबसे दोस्ती हुई, बातचीत स्टार्ट हुई? लाइक पहले दिन आया तो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पिछले बारी के मुकाबले, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ। ये मैंने पहला 100 बनाया 180 टेल के साथ। बैटिंग करके कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, वेल डन। फर्स्ट 100, अरे वाह वाह। और उसके बाद भी मैंने दोनों मैचेस अच्छे किए, तो मैं उस जोन में था कि मैं, मेरे को बस ये आगे बढ़ना है इससे, लाइक ये मोमेंटम आगे लेके चलना है। और फिर जैसे प्रैक्टिस कर रहा था तो अभी मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आने लग गया कि क्या चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, क्या चीज़ नहीं करती हैं। बात करके आप जैसे लोगों से, सीनियर्स आप जैसे होने चाहिए। और इस बात पे गौर कीजिए। और फिर लाइक जैसे नेट्स में बैटिंग कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस साल के मतलब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हुआ T20 से ही, कि लाइक मैंने अपने गेम को रिवॉल्व किया है और मतलब स्कोरिंग एरियाज बढ़े हैं, तो उस चीज़ को बस इम्प्लीमेंट करना था। तो अच्छे से मैंने डोमेस्टिक में किया, तो वही सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, ना ज़्यादा सोचूँगा, मैं बस अपना गेम खेलूँगा। फिर प्रैक्टिस मैच हुआ, प्रैक्टिस मैच काफ़ी अच्छा हुआ, स्कोर नहीं बता सकता मैं। फिर सेकंड मैच भी अच्छा हुआ, तो उससे काफ़ी मतलब जब आप करंट फॉर्म में अच्छा कर रहे होते हो तो सारी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होती है। चाहे वैसे आप नेगेटिव जोन में हो, जैसे कल मैं थोड़ा सा सोच रहा था ज़्यादा बैटिंग करते हुए, तब भी मैं पॉजिटिव था, ठीक है मोमेंटम है, मतलब एक पेस है इनिंग का, ये भी चला जाएगा। सही है। तो जैसे ललित भाई ने बताया कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी बहुत अच्छा किया और वही कॉन्फिडेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे वो, तो दर्शकों को मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 100 रन की पारी खेली थी और पहली बॉल से जो पिटाई कर रहे थे सब बॉलर की। उसके बाद जब मैं बैटिंग करने आया और ऐतिहासिक मैं जब बैटिंग करने आया तो आप क्या सोच रहे थे, और उसके बाद आपके चेहरे पे अलग ही खुशी आ रही थी, अलग भाई हंसते हंसते बैटिंग कर रहा था, क्या हो गया था आपको, क्या मैं जोकर लगता हूँ आपको? नहीं, जोकर की बात नहीं। जैसे उस टाइम में मैं थोड़ा सा बिल्कुल काम डाउन हो गया था, आप आए फिर
बस हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, आउट नहीं होंगे तो यहाँ से मैच जीत जाएंगे। फिर उसके बाद से सब चीज़ें हमारे फेवर में होती गई कि मतलब जब बंदा कंफर्टेबल होता है तो वो सिर्फ बॉल को देखता है, वो सिचुएशन को नहीं देखता है। तो बस फिर कंफर्टेबल हो गए, फिर पहला छक्का लगा, फिर उसके बाद से मोमेंटम मिल गया। फिर आपने छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया, फिर दूसरी टीम बैकफुट पे थी उस टाइम पे। बस मेरा भी काम था, थोड़ा एक दो दो हाथ लेते चले। तो आई थिंक कह सकते हैं कि वो एक यूनिटी जो होती है, फ्रेंडशिप, और जो अपना बॉन्डिंग, जितना साथ रहते हैं, जो बॉन्डिंग हमारी बनी है दो तीन साल में जो हम साथ में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम में आता है, आपको काम डाउन कर देता है या आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपके साथ भी हुई, और आपने जो शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ तो बहुत ही मज़ा आया। एक और बात भी आपने बोली कि पापा ने बोला है हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, और वो चीज़ भी आई। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही मज़ा आया। आप ऐसे ही हमारा साथ आप भी मत छोड़ना, और हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।